Okay, so let us continue our session. We were into the sixth problem. Let's go to the next one. Next problem कौन सी होगी बेटा? Seventh one. Here we go. The sum of the three numbers in AP is 15. हाँ बातें कर लो आप, फिर कर लेंगे अपन problem तो. Sum कितना है? 15. 1 for 19 be added to them respectively. The result is GP. The numbers are. बेटा ऐसे तीन नंबर बताओ जो AP में हैं. B वाला. 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, ठीक है. ये 2 5 8 अपना एपी में है और इनका सम भी 15 हो रहा है. अब करना क्या है अपने को, 1 4 19 ऐड करना है. द रिजल्ट आर इन जीपी, समझ आ रहा है? 3 9 27, 9 बाई 3 3, 27 बाई 9 3, ये जीपी में. ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट है. बड़ा आसान क्वेश्चन था, ऑप्शंस की हेल्प से बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है. अदरवाइज इट विल टेक टाइम, एंड अगर वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करोगे इट विल डेफिनेटली टेक मोर देन 72 सेकंड. एंड अदर थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि बेटा जो एग्जाम होगी ना वो आपको ऐसा तो होगा नहीं कि एक रफ नोटबुक दे देंगे इतनी मोटी और बोलेंगे जितना करना उतना कर, जितनी कैलकुलेशन देखो करना है उतनी कर, ऐसा तो होगा नहीं. कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक आध फर्रे दे देंगे A4 साइज के, एक आध पेज डबल मांगोगे तो एक दो फिर और दे देंगे, इससे ज़्यादा तो क्या ही देंगे. पूरी बुक तो देंगे नहीं आप, मतलब नोटबुक तो दे नहीं देंगे 300-400 पेज की, है ना. तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना, अपनी प्रैक्टिस ऐसे रखना कि अपने को 100 क्वेश्चन करना है तो कैलकुलेशन अपन लिमिटेड करें, इसलिए ऑप्शन का यूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप समझ रहे हो मेरी बात को? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. मैंने नहीं सुना बेटा, क्या घर से ले जा सकते हो बेटा? घर से आईसीआई का मॉड्यूल सब ले जाना आराम से, वो आपको बैठ के लिखने देंगे वहाँ पे, इसी बात ही करते हो. चलो शैल वी गो टू द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन सुनो, एक्स वाई जेड जीपी में है एंड एक्स टू द पावर एन, अच्छा एक्स वाई जेड किस में है? जीपी में. तो आपको नहीं लगता कि वाई बाई एक्स जेड बाई वाई के बराबर होगा? और हाँ शांति रखो, वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? एक्स जेड के. पूछ क्या रहा है अपने से? पूछ रहा है कि एक्स टू दी पावर वाई, वाई टू दी पावर क्यू और जेड टू दी पावर सिग्मा प्लस टू, ये मान लो इसको हाँ, ये तीनों आपस में इक्वल है. किसके इक्वल है? नहीं पता, के मान लिया. इधर देखो यार, एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? इधर देखो, एक्स टू दी पावर की पी किसके बराबर? के. तो एक्स किसके बराबर? y टू दी पावर y किसके बराबर? हाँ बेटा जी, सिग्मा. बेटा सिग्मा, अरे ये लेटा हुआ क्यों है? क्यों खड़ा था? थक गया, लेट गया, बहुत देर से खड़ा था, लेट गया. अब क्या बेटा? तो कुछ नहीं होता, ये सिंबल है एक, जैसे ABCD वैसे सिग्मा एक सिंबल है, अल्फा बीटा गामा थीटा उसमें का एक सिंबल ही भी है. चलो एनीवे, अब हम क्या करेंगे, y की जगह लिखेंगे y की वैल्यू. y की वैल्यू कितनी है? k टू दी पावर 1 बाई क्यू और इसकी पावर कितनी आएगी? 2. x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे k टू दी पावर 1 बाई पी. y की z की जगह z की वैल्यू k टू दी पावर 1 बाई सिग्मा. मुझे यहाँ से दिख रहा है कि k टू दी पावर हो जाएगी 2 बाई क्यू, हो जाएगा k टू दी पावर 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू. बेटा दोनों के बेस कितने हैं? k सेम है, तो पावर क्या कर सकता हूँ? कंपेयर. तो कंपेयर करूंगा तो 2 बाई क्यू किसके बराबर आएगा? 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू. इससे मुझे क्या सीख मिलती है? क्या एक मिनट को, सिग्मा लिख दिया मैंने, सिग्मा कहाँ चले गया? हाँ ये सिग्मा आएगा मेरे बोलने के बाद. 2 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई सिग्मा, ठीक. अब सुनो, अब हमें ये पता करना है कि ऑप्शंस देखो, ये एपी में है कि जीपी में है. वो पूछ क्या रहा है कि 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई सिग्मा एपी में है कि जीपी में है कि बोथ है कि नन ऑफ दिस है. तो अब ध्यान से देखो, ये तीनों मुझे लग रहे हैं एपी में है. क्यों लग रहे हैं? ध्यान से सुनना बेटा जी, 2, 4 और 6 क्या ये एपी में है? तो बीच वाले में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो पहले और आखिरी के सम के बराबर आता है? तो बेटा अगर 1 बाई पी 1 बाई क्यू और 1 बाई सिग्मा अगर ये एपी में होंगे तो मैं बीच वाले में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पहले
और आखिरी के सम के बराबर आना चाहिए, आ रहा है, और यही तो अपना रिजल्ट है, मतलब ये काई में है एपी में, ऑप्शन फॉर एप्पल एपी। एंड एंड का समझ में नहीं, समझाता हूँ। चलो अभी आप 1 मिनट का पॉज लो और बस ये समझो कि यहाँ तक समझ में आया, 2 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई सिग्मा कहाँ से आया, इतना सब कुछ समझ में आया। ठीक है, अब बस अपने को इतना ही समझना है कि ये एपी में है कि जीपी में है, अगर एपी में है तो क्यों है। फिर से समझ, ध्यान से सुनना बेटा जी, 2 4 8 क्या ये एपी में है? 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 नहीं है, क्या लिख दू? 6 लिख दू, अब ये एपी में है। ठीक है, मैं बीच वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या है? पहले और आखिरी के सम के बराबर होती है, 4 2 8, मतलब एक एपी की एक प्रॉपर्टी पता चल गई अपने को कि बीच वाली टर्म में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पहले और आखिरी के सम के बराबर। तो अगर 1 बाई पी, 1 बाई क्यू और 1 बाई सिग्मा हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या ये एपी में है, अगर ये एपी में होंगे, अगर ये एपी में होंगे तो बीच वाले में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 बाई क्यू में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? हाँ के ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2 बाई क्यू किसके बराबर आएगा? 1 बाई पी प्लस 1 बाई, ये किसकी कंडीशन है? एपी की। अगर ऐसा होता है तो ये 1 बाई पी 1 बाई क्यू 1 बाई सिग्मा एपी में होंगे, तो ऐसा हो रहा है क्या? तो ये ए वन बाई ये काई में हो गए एपी में, इसलिए अपना आंसर क्या आ गया? बहुत बढ़िया, आया बेटा समझ में? आया समझ में? चल वी गो टू द नेक्स्ट वन। द टर्म्स आर इन एपी, अरे ये तो क्वेश्चन करा हुआ है बेटा, 2x x plus 10 और 3x plus 2 एपी में है। अगर ये एपी में है, अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो क्या होता है? बी माइनस ए किसके बराबर होता है? सी माइनस बी के, तो एक्स बी माइनस ए के बराबर होगा, सी माइनस बी के, एक्स माइनस 2x माइनस का एक प्लस का 10, 3x में से x जाएगा तो 2x, 2 में से 10 जाएगा तो माइनस का एक्स, उधर 8 इधर आ जाएगा, 8 प्लस 10 इधर हो जाएगा 3, एक्स की वैल्यू कितनी? ऑप्शन सी। क्या करा समझ में आया क्या? अगर ए बी सी एपी में होते हैं, अगर ए बी सी होंगे तो पी माइनस ए सी माइनस बी के बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो यहाँ पे मैंने ए बी सी मान लिया तो एक्स प्लस 10 माइनस 2x पी माइनस ए किसके बराबर होगा? सी माइनस बी के, आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे गायब होंगे क्या? कोई बात नहीं, चल वी गो टू द नेक्स्ट वन। समझ आया बेटा सबको? और ये बोर्ड नोट्स की टेंशन मत लो, अभी आपकी जो छुट्टी आ रही है ना, इसमें मुझे भी थोड़ा टाइम मिलेगा, तो मैं ये सारे बोर्ड नोट्स अब तक जितने भी पढ़ाए सबको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको फॉरवर्ड कर दूँ। ठीक है, अभी तक मुझे समय नहीं मिल पाया क्योंकि मेरी बहुत सारी बैचेस रहती, ठीक है, बट नाउ विल हैव सम टाइम बिकॉज ऑफ फ्यू डेज ऑफ हॉलीडे, मैं आपको सबको इनमें पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड करता हूँ। पीडीएफ नहीं खुलती है बेटा, लैपटॉप या पीसी में खोलना, खुल जाएगी, यूज लैपटॉप या फिर। अगला क्वेश्चन देखो, द एम ऑफ द टू पॉजिटिव यानी अनइक्वल क्वांटिटीज एक्स वाई डी बी दर जी एम, अरे कुछ नहीं, ये पूछ रहा है कि एम बड़ा होता है कि जी एम बड़ा होता है, दो नंबर है, दोनों डिफरेंट है एक्स और वाई, ये पूछ रहा है कि उनका एम बड़ा होगा कि जी एम बड़ा होगा, या एम जी एम में क्या रिलेशन आएगा बताओ, अरे करके देख लेते हैं। एक ले लेते हैं 9, एक ले लेते हैं 4, दो डिफरेंट नंबर है, अब इनका निकालते हैं ए एम, कितना आएगा? 9 प्लस 4 बाय 13 बाय, कितना आएगा? कोई डाउट? दूसरा जीएम निकाल के देखते हैं, जीएम कितना आएगा? 9 × 4 √9 4 = 36, आंसर 6, कौन बड़ा होता है बताओ? एम बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ऑप्शन इसी केस में बेटा इक्वल।
आया क्या समझ में? नाइन और फोर मेरे मन से आया, मैंने मन से वैल्यू ली बस वेरीफाई करने के लिए। आप क्योंकि उन्होंने बोला बेटा कि एक्स और वाई दो डिफरेंट क्वांटिटीज है, है ना, तो मैंने नाइन और फोर ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, टू थ्री फोर फाइव कुछ कुछ मिला के। अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच का रिलेशन ये होता है कि ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू जी, वो अपने को लिखना था, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ए एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 40, अर्थमेटिक मीन कितना है 40 एंड जियोमेट्रिक मीन कितना है 24, ऑप्शन ए करेक्ट है। सुनो मेरे लाल, इधर देखो दो नंबर कौन है x और y, अर्थमेटिक मीन कितना है x plus y by 2, कितना है जल्दी बोलो 40, तो x plus y कितना होगा जल्दी बोलो 80, ठीक। दूसरा क्या बोला उसने, उनका जियोमेट्रिक मीन कितना है, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर डाल दो, कितना आना चाहिए 24। ऐसा एक ही ऑप्शन है ए, जिसका सम कितना है 80 और प्रोडक्ट कितना है, रूट ऑफ प्रोडक्ट कितना है 24, बस आंसर ए है ना। ये करके देख लो ऑप्शन ए को वेरीफाई, 72 इंटू 8 करोगे रूट के अंदर कितना आएगा 576, रूट कितना होता है 24, खत्म। आया ऑप्शन ए करेक्ट है ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं बेटा, क्या चीज बेटा क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक मीन कितना है, क्वेश्चन वहां पढ़ो ना बेटा 40 है तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड करते हैं, तो दोनों को जोड़ा दो से डिवाइड किया कितना आया 40, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 80, कौन सा ऑप्शन 80 दे रहा है, सारा दे रहे सबको जोड़ो के 80 आएगा, 72 प्लस 8 80, 70 प्लस 10 80, 20 80, सब 80 दे रहे हैं, मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि जियोमेट्रिक मीन कितना है 24, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है मल्टीप्लाई करो रूट के अंदर डाल दो, तो मल्टीप्लाई करो रूट के अंदर डाल दो रूट एक्स बाई 24, सारे ऑप्शन को मल्टीप्लाई करो रूट के अंदर डालो, 70 इंटू 10 की ऑप्शन भी देखो 70 इंटू 10 700 का रूट 24 नहीं होता, 16 इंटू 20 1200 का रूट 24 नहीं होता, किसका होता है ए का 72 इंटू 8, ऑप्शन ही सही है। आगे ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, थ्री नंबर्स आ रहे हैं एपी, देयर सम इज 15, खत्म, एपी में है और सम 15 है, जल्दी बोलो कौन है एपी में, 6 2 4 7 6 नहीं, ये एपी में नहीं है, 6 4 2 5 ये एपी में नहीं है, 5 3 2 ये एपी में है, पर ये हो सकता है नहीं भी हो सकता, एक बार वेरीफाई करूंगा। सम हाँ सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है, चलो पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई, जल्दी बोलो यार 8 6 4 ऐड करूंगा 3 5 7 में क्या ऐड करूं 8 6 4 कितना आना चाहिए, जो भी आएगा वो क्या आएगा जीपी में 11 11 11 11 11 11 जीपी में है क्योंकि कॉमन रेशो कितना आ रहा है 1, किसी भी टर्म को उसकी पिछली टर्म से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, खत्म, ऑप्शन सी। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, द सम ऑफ द फोर नंबर्स इन जीपी 60, बेटा चार नंबर जीपी में सम 60 आ रहा है, जल्दी बोलो कौन बोलो यार, एपी में होना चाहिए, देखो फिर से पढ़ो, द सम ऑफ फोर नंबर्स, ओ सॉरी जीपी में होना चाहिए, द सम ऑफ फोर नंबर्स इन जीपी 60, चार नंबर जो जीपी में है और उनका सम कितना है 60, ऑप्शन है देखो 8 by 4 2 16 by 8 2, ये ऑप्शन हो सकता है 16 by 4 4 8 by 4, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जीपी में ही नहीं है। अगला देखो 8 by 16 4 by 8 4 by 8 20 by 4, ये नहीं है जीपी में ही नहीं है, तो और तो मैं देखूंगा ही नहीं कि सम कितना है क्या कितना है, जीपी में ही नहीं है, ये ऑप्शन ए जीपी में है। अब दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, सम 60 होना चाहिए, क्या ऑप्शन ए का सम 60 है, ए। दूसरी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट कौन 4 लास्ट कौन 32, इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं डिवाइड बाय 2, कितना आना चाहिए 18 आ रहा है क्या, आ रहा है, खत्म, ऑप्शन ए सही, कोई डाउट, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बेटा जी नहीं ले रहे, उसने क्लियरली बोला एम निकालो, एम पहले और आखिरी टर्म का एम निकालो, मतलब पहले और आखिरी को लो दो से डिवाइड करो जोड़ के, ये होता है एम का मतलब, और जीएम था बेटा जी, दो चीजें होती है एम और जीएम,
आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, बातें नहीं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, सम ऑफ 6240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट्स सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 रुपीज मोर देन द प्रेजेंट इंस्टॉलमेंट, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा तो पहली इंस्टॉलमेंट है x, तो अगली कितनी होगी? बहुत बढ़िया, क्या बच्चे हो यार। अगली बेटा, अगली, क्योंकि इसमें लिखा है कि हर इंस्टॉलमेंट पिछले इंस्टॉलमेंट से 10 ज्यादा है। ठीक बेटा जी, ये एपी की जीपी इधर आ, एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कितना 10, बहुत बढ़िया। अब क्या बोला है, एस एन, एन कितना दिया और क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, एस एन दिया, एस एन कितना दिया, क्या देगा और क्या, भगवान से मिलोगे, सब दिया उसने, सब कुछ दिया है उसने, एस एन कितना, एन कितना 30, 30 बाई 2 कितना होता 50, ए प्लस एन माइनस 29, ठीक कितना, मेरा आ रहा है 126, ये कितना आएगा, ऑप्शन ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्या क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चा रिवीजन नहीं करता, फिर मेरे पास 15 दिन बाद आता है, बोलता है सर ये 15 कहां से आया, नहीं अभी तो पता है, 15 दिन तक देखना मत इसको खोल के, 15-20 दिन बाद मेरे से आके पूछोगे सर इसमें तो एन 30 दिया है, 15 कहां से आया, समझ रहे हो, ऐसे डाउट आते हैं फिर, अरे सर ने गलत कर दिया होगा यार, सर ध्यान ही नहीं रखते, फिर ऐसा आता है, बच्चा ऐसा सोचता है। अगला क्वेश्चन, एपी की जीपी, अच्छा आपका प्रोजेक्टर बंद हो गया, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब एक काम करते हैं, लेट मी चेक कनेक्शन, एवरीथिंग इज फाइन, हाँ बेटा इसको बंद करके चालू, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छे ने चालू कर दिया, आप देखो, अब देखो एपी की जीपी डीपी, बहुत बढ़िया बेटा जी, ए कितना 1.03, आर कितना 1.0, क्यों, क्योंकि किसी भी टर्म को उसकी पिछली टर्म से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.03, तो ए पता है आर पता है, क्या पता करना है, एस एन, हाँ क्वेश्चन, ए है 1.03, आर की जगह लिखूंगा 1.0, पावर करूंगा एन माइनस डिवाइडेड बाय 0.3, क्योंकि 0.03, तो आएगा पर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3/100, ठीक 103/100 जो डिनोमेटर में ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1.032 पावर एन माइनस 1, 100 कैंसल, 103 बाई 3, 1.032 पावर एन माइनस 1 इज योर आंसर, ऑप्शन ऑप्शन बिफोर बॉम्बे, ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, हाँ बेटा सम का एस एन का फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी नहीं करना, n की वैल्यू नहीं दी, अगर n की वैल्यू देता तो न्यूमेरिकल आंसर आ जाता, डन बेटा, वी गो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपको नन ऑफ दिस एक ऑप्शन नहीं दिखेगा, बाकी सब दिख रहा है, मोस्टली क्वेश्चन में ऑप्शन डी नन ऑफ दिस ही होता है मोस्टली, थोड़ा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि नन ऑफ दिस, देखो बेटा ऑप्शन टिक करने में कॉन्फिडेंस चाहिए, बट नन ऑफ दिस में टिक करने में डबल कॉन्फिडेंस चाहिए,
समझ रहे हो, नन ऑफ दिस, हिम्मत नहीं होती नन ऑफ दिस पे टिक करने की। ऐसा लगता है अपनी कैलकुलेशन गलत हो गई होगी यार, मेरी कैलकुलेशन गलत होगी। हाँ समझ रहे हो, टी के लिए डबल कॉन्फिडेंस चाहिए, नन ऑफ दिस के लिए ध्यान रखना बेटा। चलो क्या कहना चाह रहा है, ये एक्स वाई जेड एपी में है और एक्स वाई जीपी में है, तो क्या करूँ रिलेशन बताऊँ। अच्छा इधर देखो, एक्स वाई जेड एपी में है, बोलो हाँ कि ना, तो इसके बीच में कुछ रिलेशन आएगा क्या? एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई टू किसके बराबर? तो एक्स प्लस जेड किसके बराबर? चलो ये कहाँ से आया, एपी की वजह से। अब और कुछ दिया है क्या? एक्स वाई और जेड प्लस वन किसके बराबर है? जीपी में है। जीपी का क्या होगा? इधर देखो, वाई बाय एक्स किसके बराबर होगा? कोई भी टर्म को उसकी पिछली वाली टर्म से डिवाइड करते हैं तो आर आता है, तो इसलिए मैंने वाई को डिवाइड किया उसकी पिछली वाली टर्म से और जेड प्लस वन को डिवाइड किया उसकी पिछली वाली टर्म से, और दोनों का आंसर सेम आएगा, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल टू कर दिया। इसको समझ में नहीं आया, यहां समझ में नहीं आया हो तो बता देना, वरना आगे का तो बिल्कुल नहीं आएगा। मैं समझाता हूँ, इधर देखो बेटा जी, इधर देखो, इधर देखो, 2, 4, 8, क्या ये जीपी है? क्यों है? क्योंकि अगर मैं इस दोनों का डिफरेंस, सॉरी, अगर मैं इस टर्म को इसकी पिछली वाली से डिवाइड करूं तो 2 आएगा, और 8 को इसकी पिछली वाली से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? तो अगर एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो मैं वाई को एक्स से डिवाइड करूं तो जो आंसर आएगा वही जेड पर वाई से डिवाइड करने पे भी आएगा। इतना समझ में आया बेटा? ये भी नहीं आया, जल्दी बोलो, एक बार और समझेंगे, और बताओ एक बार फिर से। 3, 9, 27, क्या है जीपी है? कैसे पता? मैं इसको इसको इसकी पिछली वाली टर्म से डिवाइड करूंगा और इसको इसकी पिछली वाली टर्म से डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 3, यहाँ पे भी आएगा 3, मतलब ये जीपी है। अगर एक्स वाई जेड फिर से जीपी में है तो वाई को मैं एक्स से डिवाइड करूँ तो वो किसके बराबर आना चाहिए? तो यही चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए, एक्स वाई और जेड प्लस वन काई में है जीपी में, तो मैं इसको इसकी पिछली वाले से डिवाइड करूं या इसको इसकी पिछली वाले से डिवाइड करूं, आंसर आया समझ में? आप बहुत बढ़िया, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर एक्स इंटू जेड प्लस वन विदाउट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेरे लाल। हाँ कुछ नहीं करेंगे, इधर देखो इस क्वेश्चन, एक इक्वेशन नंबर 1 से वाई की वैल्यू बताओ, और वो वाई की वैल्यू उठा के यहां रखो, हाँ कि ना, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xz, नीचे कितना आएगा? 2 स्क्वायर 4, 4 किधर जाएगा? इधर आ जाएगा, 4xz प्लस 4x, क्योंकि वो नीचे 4 आएगा ना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ये 2xz है और इधर 4xz है, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। बहुत बढ़िया, एक्स माइनस जेड का इधर कितना आएगा? 4x, ऐसा कोई ऑप्शन? अरे ऐसा कोई ऑप्शन क्या? एक्स जेड ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दिस इज हाउ यू डू इट। हमें ना अभी तो सब समझ में आ रहा है, महीने भर तक मत खोलना बुक, फिर बोलोगे सर यहाँ लिखा 2xz और यहाँ हो गया -2xz, कितनी गलतियां करते हैं ये सर, ध्यान ही नहीं देते, कुछ तो भी कर देते हैं, समझ रहे हो कि सर ऊपर तो लिखा सर ने प्लस का 2xz, नीचे लिखा माइनस का, अब ये प्लस माइनस कैसे हो गया? कुछ तो भी पढ़ाते ही अच्छा नहीं है ये, तो आता ही नहीं इनको, समझ रहे हो? इसलिए टाइम से रिवीजन करते रहना, नहीं तो मेरे पास मत आना फिर कि सर ये माइनस कहाँ से आया, हाँ ये प्लस का माइनस कैसे हो गया टाइम, हाँ फिर मैं ऐसा बताऊंगा कि आप भूलोगे नहीं कभी कभी नहीं भूलोगे फिर आप, समझ गए? हाँ अगर ये प्लस का माइनस लेके आए तो, इसलिए टाइम से रिवीजन कर देना। चलो तो अगला क्वेश्चन, द नंबर एक्स एट वाई आर इन जीपी, ठीक, द नंबर्स एक्स वाई माइनस एट आर इन एपी, अच्छा द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, -8, -8, -1, -1, तो ये तीनों भी जीपी में है, अगर ये कर दें जीपी में आ जाएगा, और 16/8 ये भी जीपी में है, अरे ये भी जीपी में है, दोनों ऑप्शन काम कर रहे हैं, शांति रखो।
चलो एनीवे एक एक ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। इधर देखो एक्स एट वाई किस में है, डीपी में है, और नंबर एक्स वाई माइनस एस किस में है, जीपी में। क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई पूछा है। ठीक है बेटा जी, ये तो सुनो, ये जीपी में है तो जीपी का क्या रिलेशन होता है। बहुत बढ़िया बेटा, एट बाई एक्स इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया बेटा जी, तो एक्स वाई किसके बराबर होगा। आया बेटा जी समझ में, ये एपी में क्या रिलेशन होता है आप ही बताओगे। बहुत बढ़िया बेटा जी, x माइनस एट डिवाइडेड बाई टू किसके बराबर होगा, y का। पहला प्लस आखिरी वाले को जोड़ के दो से डिवाइड करके तो बीच वाला आ जाता है, तो x माइनस एट, वैसे प्लस एट करना था लेकिन वो माइनस का है इसलिए माइनस हो जाए, तो x प्लस माइनस एट डिवाइडेड बाई टू, तो x माइनस एट किसके बराबर। बेटा वो हर ऑप्शन करेक्ट है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, जो ऑप्शन इनको दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है क्या, माइनस एट 64 होता है, बिल्कुल सही बात, और माइनस एट टू इंटू माइनस एट, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। बी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 16 फोरजा होता है, और 16 माइनस एट इज इक्वल टू टू इंटू फोर, 16 माइनस एट, ये भी कर रहा है, ये भी सही है, तो कुछ नहीं हो रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सही है, दो इक्वेशन है ना बेटा, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये दोनों ऑप्शन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा भी करके देखो, तीसरा कर देगा तो वो भी आंसर, हाँ तो मैं तो करके देखूंगा ना, लेकिन क्योंकि आपको आपको थोड़ी दिखाना, सबको दिखाना है। एट माइनस एस टू वाई कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो और टू वाई कितना है, एट, हो ही नहीं सकता, 16 जीरो के बराबर नहीं होता। तीसरा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए तीसरा करेक्ट नहीं है, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द nth टर्म ऑफ द सीरीज 16 8, अच्छा nth टर्म दिए, क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया। 16 8 4 nth टर्म दिए, अरे दिए 1 by 2 to the power 17, nth टर्म दी है, और क्या बोला है, a कितना 16 आ रहे क्या, 8 by 16 1 by 2 r भी दिया। अब क्या पूछ रहा है मेरे से, पूछ क्या रहा है, n पूछ रहा है, अभी बताऊंगा, a into r to the power n minus, रहे हो क्या, a कितना, r कितना 1 by 2, power कितनी n minus, 1 by 2 to the power 17, इधर देखो, इधर देखो, ये 1 by 2 to the power 17, 16 को क्या लिख सकता हूँ, 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 4, अभी 2 to the power 4 इधर आएगा, नीचे, किधर आएगा, इसके साथ में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 to the power 4, इधर कितना आएगा, 1 by 2 to the power n minus 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी देखो सेंस ही नहीं बनता, तो सिर्फ 2 के ऊपर चढ़ा दो वो पावर, वैसे पावर 1 और 2 दोनों के ऊपर है, बट 1 के ऊपर लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो सिर्फ 2 के ऊपर लगा दो। 17 प्लस 4 कितना होता है, 1 बाय 2 टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1 किसके बराबर, n किसके बराबर, खत्म, ऑप्शन सी फॉर कैट, देखो समझो और जानो, आगे बढ़े, समझ में आया सबको, अच्छा क्वेश्चन था ना, बस इतना सा ध्यान रखना है कि 16 को 2 टू दी पावर 4 लिखेंगे तो वो 2 के साथ चले जाएगा, पावर्स ऐड हो जाती है, 16 17 प्लस 4 21 हो जाएगा, फिर आंसर आ जाए। अभी ना कहानी कहाँ उलझ जाती है, जहाँ बच्चा समझने की कोशिश नहीं, बच्चा समझता ही नहीं, या बच्चा क्या करता है, उसको दिखा 2 टू दी पावर 17, अब उसके पास क्या है, कैलकुलेटर, तो उसको क्या, मैं क्या करूंगा, 2 टू दी पावर 17 निकालू, समझ रहे हो, और वो आएगा 1,31,000, फिर उसको यहां लिखेगा, फिर लिखेगा यहां पे 1 बाय
131072, और फिर यहाँ लिखेगा 16 से मल्टीप्लाई करेगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, इधर आएगा 2^n-1, और फिर क्या करेगा, बेटा अरे इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द लॉजिक बेटा, आप पूरा कोर्स पढ़ोगे पहले चैप्टर में कुछ तो दिमाग सुधरा होगा आपका, दूसरे में थोड़ा और, तीसरे में थोड़ा और, ऐसे आपके लॉजिक बिल्डअप होते जाएंगे। ये कोई वो थोड़ी है कोई कि चैप्टर खत्म करा घर चले गए, अरे बेटा इससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है आपका। जब तक आप 18 चैप्टर पढ़ोगे हर चैप्टर में आपका लॉजिक थोड़ा स्ट्रांग होते जाएगा, जब आप 18th चैप्टर में पहुंचोगे तब तक आपके मैथ्स के लॉजिक अच्छे खासे हो जाएंगे, तब आपको ये सारी गलतियां पता चल जाएगी कि ये गलतियां नहीं करना है, इसीलिए तो यहाँ आ रहे हो, समझ रहे हो। लॉजिक आपके बिल्डअप होंगे बेटा, टाइम लगेगा थोड़ा, तो ऐसी ही गलती नहीं करें कि सबको मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर नहीं बनाएं। जब अपने को दिख रहा है उधर की 2^ समथिंग है तो इधर भी 2^ समथिंग रखें ताकि समथिंग समथिंग को कंपेयर किया जा सके। फिर नहीं अच्छा नहीं था, एनीवे लेट्स गो टू द नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट 19th प्रॉब्लम। द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1, अच्छा फर्स्ट टर्म दे दी 1, कॉमन रेशियो भी दे दिया, बहुत बढ़िया, इक्वल टू 127/128, अच्छा अभी निकाल देते हैं, 128+127 255, हाँ SN मतलब SN ठीक, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बस दिखा है कि सम है तो सम का फॉर्मूला लगाऊंगा, पूछ क्या रहा है द वैल्यू ऑफ एन, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2 ही ना, टू फिफ्टी फाइव, और ये 128 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 250, इधर आएगा 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n, मैं 1/2 टू दी पावर n को इधर लेके आऊँगा और उधर क्या लेके जाऊँगा 6, खत्म, 1/2 टू दी पावर n और इधर है 256, कितना लिखूँ 256 को क्या लिख सकते हैं, खत्म, 2^8, n किसके बराबर, ये तो पता करना था, क्या क्वेश्चन है, ऑप्शन बी बहुत इजी है बेटा, प्रोवाइडेड इफ यू वर्क हार्ड। मैथ्स में अभी तक 6 चैप्टर्स हो गए हैं, है ना, अब टाइम हो गया है कि आप पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब पढ़ लें इस हॉलीडेज में, वरना बाद में इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, फिर आपको लगेगा अरे यार अब तो ये छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम ही नहीं है सब पढ़ने का डबल से, और अभी नहीं पढ़ा पांचों चैप्टर तो जब मैं 10th चैप्टर या 11th चैप्टर में हूँ तब आपको पहले दूसरे तीसरे का नाम भी याद नहीं होगा कि पहले दूसरे तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का कंटेंट तो दूर की बात, समझ रहे हो, क्योंकि जब आप बेटा अपन स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, सारी नई चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी, ये तो थोड़ा बहुत आपने कभी करा भी होगा, APGP का फॉर्मूला आपको पहले कभी सुनने में आया होगा या खुद से करा होगा, CISI पहले करा है अपन ने छोटी छोटी क्लासेस में, तो अपने को थोड़ा बहुत आइडिया है, बट ये स्टैट्स वगैरह में जो आएगा वो उसका आइडिया आपको नहीं है अभी, समझ रहे हो, तो रिवीजन अभी करते रहें तो बाद में संघर्ष हो जाएगा, और वैसे भी इसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, बाकी सब्जेक्ट में इतना लगता नहीं कुछ, लॉ वगैरह में तो आपको शायद रीड ही करना है, सॉल्व तो कुछ करना नहीं है, अच्छा सॉल्व लॉ में लगता है, मुझे नहीं पता बेटा, मैंने नहीं पता, चलो आगे बढ़े, हाँ बेटा T4 of a GP is X, T10 is Y, T, अच्छा क्या क्वेश्चन,
टी फोर कितना है? कुछ भी नहीं। टी10 कितना है? टी16 कितना है? एपी की जीपी, जीपी तो जीपी में बेटा फोर क्या होता है? फोर टर्म क्या होती है? ए आर क्यूब, क्योंकि पावर फॉर्मूला होता है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, तो फोर की जगह लिखेंगे फोर माइनस वन थ्री। हाँ, टी10 कितना होता है? ए आर नाइन। टी16 कितना होता है? बहुत बढ़िया बेटा, अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको हाँ जी बेटा जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने डिसाइड किया कि मैं सेकंड को डिवाइड करूँगा फर्स्ट से, तो मैं ए आर टू दी पावर नाइन को डिवाइड करूँगा ए आर टू दी पावर थ्री से, क्या आएगा? वाई बाई एक्स आएगा पहली चीज, और इधर ए कैंसिल हो जाएगा, आर टू दी पावर सिक्स आ जाएगी, क्योंकि नाइन में से थ्री जाएगा। डिविजन में जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, सिक्स वाई बाई एक्स विद आउट। अब थोड़ी देर शांति रखो, इधर देखो, इधर देखो, जो बच्चा इधर नहीं देखेगा बाद में समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा भी नहीं। ए आर टू दी पावर 15 इज इक्वल टू कितना है? जेड है ना। अब मैं इसके टुकड़े करूंगा, देखना ध्यान से, ए आर क्यूब कितनी 15 में से कितना चले गया? 3 चले गया, कितना और बचा? 12 बचा, 12 में ऐसे लिख रहा हूँ 6 का स्क्वायर। वेट आउट, ए आर टू दी पावर 15 के टुकड़े कर दिए, हो गया। अब ए आर क्यूब की वैल्यू कितनी है? x, आर टू दी पावर 6 की वैल्यू कितनी है? आंसर, अरे आंसर x y स्क्वायर, एक मिनट बताता हूँ बेटा, तो y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ऐसा कोई ऑप्शन ऑप्शन ओ नहीं 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 ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट वन। हाँ, आपको कैसे पता चलेगा बेटा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब मैंने शुरू शुरू कार चलाना सीखी थी तो मैं ब्रेक की जगह एक्सेलेटर, एक्सेलेटर की जगह क्लच कुछ भी दबा रहा था, अब नहीं करता ऐसी काम, प्रैक्टिस कर ली मैंने, मुझे सब पता है कब कहाँ कितना क्या, समझ रहे हो? फिर आपको भी हो जाएगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बेटा। इनफैक्ट फाउंडेशन के एग्जाम का सिलेबस इतना छोटा और इतना अच्छा है कि आपको तो अगर प्रैक्टिस अच्छे से करी और रिवीजन करते रहे तो आंसर याद हो जाएंगे लास्ट में। जब आप एग्जाम के पहले दिन रिवाइज करोगे ना तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको आंसर दिमाग में आ जाएगा, इसका तो ये आंसर है, प्रैक्टिस। आप कुछ, अरे आपके कॉन्सेप्ट आप कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आंसर याद करके लेके जाना है घर से, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अच्छी प्रैक्टिस करी तो क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद से इतनी बार करोगे तो मेमोराइज हो जाएंगे। एक्स वाई जेड जीपी में, जल्दी देखो कौन सा आंसर सही है। अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो y by x z by y के बराबर होगा, y square option। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आगे बढ़ो। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300, अच्छा 300 का सॉरी 200 और 300 के बीच के ऑड नंबर बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला यही ऑड नंबर है बस, एपी की जीपी, एपी की जीपी, एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है? टू कॉमन डिफरेंस, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है पता चलेगा, मुझे पूछ क्या रहा है? अरे सम पूछ रहा है, बट एल तो निकालना ही पड़ेगा, एल एल यूज करना ही पड़ेगा मेरे को, एल का यूज करके मैं एन निकालूंगा। 299 ए कितना है? 201 प्लस एन माइनस वन डी कितना है? 2, तो इसमें से आ जाएगा 98। समझ में आ रहा है क्या? एन 50,
50 क्या है, ये वो 50 ये बता रहा है कि 200 और 300 के कितने ऑड नंबर्स हैं। तो n क्या है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300, कितने हैं 50 हैं। अब क्या करना है, उन 50ों का सम निकालना है। एसएन का फॉर्मूला लगा दूं, हां n by 2 a plus n कितना 50 by 2 a कितना, बहुत बढ़िया आप बच्चे हो आप, 500 बस। ऑप्शन बहुत बढ़िया, हाँ करते बेटा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of all natural numbers between 500 and 1000 which are divisible by 13. सारे natural number between 500 and 1000 जो 13 से divisible हो। बेटा हर number तो 13 से divisible, कुछ कुछ ही होंगे। तो आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि 500 और 1000 के बीच में वो कौन से कुछ कुछ नंबर हैं जो 13 से divisible है। उनमें से भी आपको मेरे को सिर्फ दो चार बताने हैं, शुरू के दो आखिरी के दो, हो जाएगा काम। मैं कैलकुलेटर से पता करूंगा, 507 है, बिल्कुल है, पहला नंबर ही 507 आएगा, 507। अगले की मुझे जरूरत है, 13 का ऐड करते जाओ और इधर आएगा 988, हाँ 988, 988 के बाद का कोई नंबर नहीं आएगा। 988 के बाद आएगा 1001। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया, सर आपने कैसे, आपको कैसे पता चला कि 507 और 988 डिविजिबल है 13 से। मैंने बोला मेरे पास कैलकुलेटर है बेटा, मैं करके देख लूँगा। मैंने 500 को डिवाइड किया 13 से, नहीं हुआ, फिर 1 को किया नहीं हुआ, 502 को किया नहीं हुआ, 507 हो गया। वैसे आप में मतलब आप थोड़ा सॉल्व करोगे ना तो आप हर नंबर चेक करके नहीं देखोगे, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे कि भाई 500 इवन नंबर है, वो 13 से डिविजिबल नहीं होगा, तो उसको करके देखोगे भी नहीं आप, समझ रहे हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे। तो पहला और आखिरी नंबर दो ही तो निकालने हैं, अगर पहला निकल गया तो फिर उसमें अगला नंबर क्या आएगा, प्लस 13 कर दो, अगला नंबर प्लस 13 कर दो, कि नहीं समझ आया। चलो अब सम निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता है, एल कितना, डी कितना, कॉमन डिफरेंस 13, 988, 507, 37, n 38। तो n की वैल्यू आ गई 38। अब क्या करूं, बहुत बढ़िया बेटा, n by 2 a plus l 38 by 2 a plus l कितना है 980, हाँ कुछ भी, टू एट फोर जीरो फाइव मेरा आंसर आ रहा है, 284। ओ नो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, 280405। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो अभी पूछ लेना। और समझ में आ रहा है तो घर जाके एक बार फिर से खुद से करके देख लेना सारी प्रॉब्लम्स, वरना अगले दिन नहीं आएगा। आज समझ में आ रहा है तो अगले दिन नहीं आएगा, मैथ से बेटा वही तो बात है बस। क्या हो गया बेटा, बेटा चिल्लाओ मत, अब चुप रहो, अगला क्वेश्चन करो। अ यूनिटी इज एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स 3, 5, 7, 9, द रिजल्टिंग सम इज, यूनिटी का मतलब 1, सब बच्चों को पता है यूनिटी का मतलब 1, खत्म।
हो गया खत्म। एपी क्या दी है, अरे कहाँ गए आप, पिछले क्वेश्चन पे आ गए। एपी क्या दी है, 3 5 7 9 फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इतने, इसके ज्यादा कुछ पता है क्या, पता है क्या लिखा हुआ है सम, कितने टर्म्स का एनी, कितने टर्म्स का एनी, तो एनी क्या मान लू एन। अब एनी मतलब मैं तो नहीं जानता ना कितनी, तो एन तो ऐसा निकालूंगा, नहीं ऑन द वे मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। एन की जगह एन 2a कितना है 3, 2 3 6 एन माइनस वन डी कितना है, बहुत बढ़िया एन, ये 2 अंदर जाके डिवाइड कर देगा 3 प्लस माइनस वन 3n प्लस, नहीं 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 गलत, 3 माइनस वन 2 हो जाएगा तो 2n। अरे मैं कर रहा हूँ बेटा एन स्क्वायर प्लस 2n। अब सुनो यहाँ तक सबको आके समझ में, बेटा जी ए दिया था डी दिया था, Sn का फॉर्मूला अपने को आता है, उन्होंने बोला एनी नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैंने n ले लिया, एनी की जगह मैं 5 6 7 कुछ भी ले सकता हूँ बट मैंने ले लिया n। इतना करने के बाद वो बोल रहा है कि इफ सम इफ यूनिटी इज एडेड टू द सम, सम निकालो और उसमें क्या ऐड कर दूं 1, तो मैंने सम निकाल लिया, अब इसमें मैं क्या ऐड कर दूं 1, जैसे ही मैंने 1 ऐड किया ये बन गया क्या परफेक्ट स्क्वायर ऑप्शन। देखो कैसे बेटा जी क्या आया n स्क्वायर प्लस 2n और ये कितना 1, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं हैं, हां ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो उसी लॉजिक से ये क्या बन जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसलिए क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अब किसी बच्चे ने बोला सर मैं अगर n नहीं लेता और कोई नंबर ले लेता तो भी यही आता, तो भी नंबर लेके अगर कोई जो आंसर आता ना उसमें प्लस 1 करते तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। फॉर एग्जांपल अगर आंसर आता 35 उसमें प्लस 1 करते 36, समझे। आगे बढ़े, सबको समझ आया, अगला क्वेश्चन। सॉल्व करो, अरे नहीं आएगा, इधर आओ, From 100 मतलब 100 भी आएगा, अगर बिटवीन होता तो 100 नहीं आता और 300 भी नहीं आता, बट फ्रॉम में तो आएगा। बेटा जी कॉमन डिफरेंस सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, अरे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, बेटा जी सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, 200 और 300 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, 5 से भी होंगे, है ना, और 4 5 दोनों से होंगे, समझ रहे हो, ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, ऐसे नंबर भी होंगे जो सिर्फ 5 से डिविजिबल होंगे, और ऐसे नंबर भी होंगे जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैं क्या करूँगा, मान लो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि जितने भी नंबर है जो 4 से डिविजिबल है मैं उनको ले लूँ, है ना, फिर जितने भी नंबर 5 से डिविजिबल है उनको भी ले लूँ, तो उनमें ऐसे नंबर भी आ जाएंगे जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो एक ही नंबर डबल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 120 का 4 से डिविजिबल है या 125 से डिविजिबल है, तो 120 बेटा जब मैं 4 से डिविजिबल नंबर निकालूंगा तो उसमें 120 आएगा, जब मैं 5 से डिविजिबल नंबर निकालूंगा तो उसमें 120 आएगा, आएगा तो फिर तो 2 बार आ गया ना, वो तो एक बार माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे सम ऑफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 प्लस सम ऑफ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में रिपीटेशन हो जाएगा, कोई नंबर जो पहले में आया वो दूसरे में भी आ जाएगा, जैसे 120 इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो फिर मुझे लास्ट में वो सारे नंबर माइनस करने पड़ेंगे जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है, और 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है मतलब 20 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 5 सा ऐसा नंबर जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है वो 20 से भी डिविजिबल,
तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 प्लस सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 माइनस सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 20 आता आंसर आ गया। आए समझ में? ठीक है, से नहीं आएगा समझ? चलो 100 अगला नंबर बोलो। चलो मैं एक एक सेपरेट करना पड़ेगा बेटा, तो पहले 4 की बात कर लेते हैं। Divisible by 4, बहुत बढ़िया बेटा। 100, 104, 108, आखिरी नंबर बता दो बस। बहुत बढ़िया, सुनो सुनो, मुझे एक ही चीज नहीं पता इसमें क्या, n कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से divisible हैं। तो मैं क्या करूंगा, l वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, l is equals to a plus n minus 1 d। l कितना, 300, a कितना, 100 प्लस एन माइनस वन डी कितना, कॉमन डिफरेंस 4, बहुत बढ़िया, 200 एन माइनस वन और 4, यहाँ आ जाएगा 50, क्योंकि एन 4 और 200 कैंसिल हो जाएंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब निकालूंगा मैं डिविजिबल बाय 5, 100, 105, 110, कहाँ तक, क्योंकि 300 भी 5 से डिविजिबल है और 100 भी है। L is equals to A plus N minus D, L कितना 300, A कितना 200, N minus D, 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 5, 100 divided by 5, minus 1, N की वैल्यू कितनी आई, हो गई क्या, अरे n सॉरी a 100 है, मैंने 200 लिख दिया। हाँ, मेरे बोलने के बाद तो वही, तो फोर्टी इज इक्वल टू आएगा, अब एक और क्या बचा, पहला नंबर 100, दूसरा 120, तीसरा आखिरी 300, 300 भी 20 से डिविजिबल होता है। L is equals to A plus N minus 1 D, तो ये कितना, 200, इधर बचेगा 10, 11, 51, 41, 11, अब क्या करूँगा, सम निकालूंगा, दोनों का सम निकालेंगे, तीसरे का माइनस करेंगे, हाँ बेटा जी, सुनो सुनो इधर सुनो, जो फोर का, फोर से डिविजिबल होंगे उनका सम निकालता हूँ, फोर से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, 51, 51 बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए कितना, एल कितना, प्लस जो 5 से डिविजिबल है उनका सम निकालता हूँ, एल कित, एन कितना, 41, एन बाई टू ए प्लस एल, ए कितना 100, एल कितना 300, क्योंकि 100 भी 5 से डिविजिबल है और 300 भी 5 से डिविजिबल है, माइनस 11 बाई टू ए प्लस एल, ए कितना 100, एल कितना, अब ये 400 हर टर्म में आ रहा है, 400 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 51 बाई टू प्लस 41 बाई टू माइनस 11 बाई, कोई डाउट है क्या, बहुत बढ़िया, अरे इतना भी नहीं करना, 51 कर देंगे ना, सुनो हाँ, ये 400 और 2 भी बाहर चला जाएगा और अंदर बचेगा 81, तो 200 इंटू 81, 16,200 कितना, ऑप्शन सी 16,200 आया आंसर, इतना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। इसको 72 सेकंड में बड़े आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ना तो आपको स्टेप्स लिखना है, ना आपको फॉर्मूला लिखना है, ना आपको प्रेजेंट करना है किसी के सामने, मुझे तो यहाँ आपके सामने प्रेजेंट करना है, सब एक के नीचे एक, फिर लाइनें बना के सबको सेपरेट, फिर नीचे फॉर्मूला,
आपको इतनी चीज थोड़ी करना है, आपको तो फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, आंसर अपने आप आएगा। मोस्ट ऑफ द चीजें कैलकुलेटर में ही हो जाएगी, आप तो सिर्फ फाइनल वैल्यूज लिखोगे पेपर पे, समझ रहे हो। आपको इतना थोड़ी लिखना है एग्जाम में, बच्चे बोलते हैं सर 72 सेकंड में कैसे करेंगे, बेटा आपको थोड़ी इतना लिखना है, आपको सिर्फ वो एन 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 तीन वैल्यू चाहो तो कहीं अटका लेना पेपर पे बस, इसके अलावा सब हो जाएगा कैलकुलेटर में। आर वी डन? अगला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 टू 300 व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा वो क्या पूछ रहा है, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 5, बेटा 124 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो ऐसे सारे नंबर जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है वो 20 से भी डिविजिबल होंगे, क्योंकि 4 इंटू 5 20 होता है। तो कुल मिला के आपसे वो ये पूछ रहा है, ये मत सोचो कि 4 और 5 से निकालना है, आप ये सोचो कि मुझे ऐसे नंबर निकालना है जो 20 से डिविजिबल है। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कितने नंबर आए थे जो 20 से डिविजिबल थे? 11। आंसर Sn n by 2 a plus l। ये कितना, क्योंकि 100 भी 20 से डिविजिबल है, और l कितना, 5। ऑप्शन ओप्स ऑप्शन है। कोई डाउट बेटा जी, समझ आया कैसे करना है? ये पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है, उसी का एक पार्ट है, इसलिए मैंने n कैलकुलेट नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में कर लिया था, है ना। तो आप पिछले क्वेश्चन से रेफर कर लेना। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन पेज 975 रुपीज बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ईच लेस देन द फॉर्मर बाय 5 रुपीज, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100, द टाइम विच, हां क्वेश्चन इधर देखो, एक पर्सन है उसने 975 रुपीज किसी से उधार लिए और वो उसको ईएमआई में वापस कर रहा है ना। हर ईएमआई कितनी होगी पिछली ईएमआई से, लेस बाय 5। तो फर्स्ट ईएमआई कितनी है, 100 दिया हुआ है, अगली ईएमआई, अगली, आखिरी नहीं पता, द टाइम बाय विच द एंटायर अमाउंट इज पेड, क्या पूछ रहा है ना। तो ये एपी की जीपी, एपी एपी बेटा, डिफरेंस सेम है, माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव, है ना। तो एसएन का फॉर्मूला लगा दूं, एसएन कितना है, 2a मतलब 200, एन माइनस वन मुझे नहीं पता कितना है, डी कितना है बेटा जी, माइनस का 5n स्क्वायर और ये हो जाएगा 205n। बेटा मैंने क्या किया, मैंने पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया, उससे मेरी इक्वेशन छोटी हो गई। आएगा आएगा कुछ तो आएगा, क्यों डर रहे हो, आएगा सब आएगा। एन स्क्वायर माइनस 41n 390, और ये क्या है क्वाड्रेटिक, 41 कैसे रिकॉर्ड करोगे 390 आ जाए, आ गए 26 और 15 आ गए। तो कैसे पता,
मजेदार हो गए हो, मजेदार हो गए बेटा। 26 प्लस 15 41 भी होते हैं, और 26 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 390 भी आता है। तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, मिड नंबर्स पढ़ेंगे। अब एक बच्चा बता बोल रहा है मेरे से, सर मेरे को तो नहीं सूझ पड़ेगी एग्जाम में, मेरे को तो याद ही नहीं आएगा कि भाई ये 15 और 26 41 भी होता है, ये भी मेरे को नहीं याद आएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, वो फार्मूला आपको हमेशा आंसर देगा, है ना। बट ये थोड़ा सा लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आई, ऑप्शन खत्म, क्योंकि 26 तो है नहीं, तो बी करेक्ट होगा। कोई डाउट बेटा जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जाए, घर तो सबको जाना है। 16,000, अरे 20 सुनो मेरे ला, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, बस तो दो ही तो बचे। एक काम करते हैं, अगर आगे के क्वेश्चन आपको होमवर्क देने जैसे होंगे तो मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक ये तो करो। A person saved 16,500 rupees in 10 years, 10 साल में सेव करा। In each year after the first year he saved 100 rupees more than the he did in the previous year. Each year after the first year he saved 100 rupees more than he did in the preceding year. मतलब पहले साल में अगर इसने X रुपए सेव करे तो अगले साल में कितने करे, अगले साल में एपीजीपी डी ए या ए को ए ही रहने देते हैं, एन एस एन कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बस खत्म। भाग के ऑप्शन आंसर इज 1200 ऑप्शन। कोई डिफिकल्टी बेटा अभी तक, पूरी एक्सरसाइज समझ में आई, आई कि ना, क्योंकि जब आपने ए और बी पढ़ा है तो सी भी आएगा, ए और बी नहीं पढ़ते तो सी नहीं आता, है ना, ये दिक्कत है। आप डन, अगला क्वेश्चन। अरे यार ये क्या क्वेश्चन है, सीआई का क्वेश्चन है, सीआई का। अ सम ऑफ मनी एक्युमुलेटेड टू अमाउंट दिया है 9625, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, 5 टाइम दिया है 5 इयर्स, क्या करूं हैं, प्रिंसिपल निकालूंगा, प्रिंसिपल, अरे सुनो प्रिंसिपल p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूं, काहे होगा 2p, क्यों होगा 2p बेटा, हाँ जी बेटा ये आना पड़ता है, आपके फ्रेंड ने जवाब दिया ना, वही आना पड़ता है बेटा इसको, 1 प्लस 10 बाय 100 टू द पावर n 5, क्या क्वेश्चन, 9625 p इंटू 1 बाय 10 करूंगा तो 0.1 हो जाएगा, तो 1.1 टू द पावर 5। अब मैं क्या करूंगा, मैं 1.1 की पावर 5 निकालूंगा, वो आई 1.60 समथिंग समथिंग, इसको मैंने मेमोरी में सेव कर लिया, 9625 को मैंने डिवाइड कर बेटा 597, मेरा प्रिंसिपल आ रहा है 5976.36। ये ना आपका, उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ देने से पिछले वाले चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, पिछले से पिछले, हाँ CISI का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ दे दिया। आंसर आ गया, CI का फॉर्मूला सबको लगाना आता है,
PRT सब कुछ दिया है, पूछ रहा है प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल पूछ रहा है, बाकी सब दिया है। अगला, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वॉज 55 करोड़ रुपीज, 55 करोड़ नॉट रुपीज, मैं गलत बोल दिया, 55 करोड़ इन 2005 एंड इट इज ग्रोइंग एट 2%। सी आई खत्म। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n। अमाउंट कितना? प्रिंसिपल 55 करोड़ है और वो बढ़ते जाएगा, बढ़ के फाइनल अमाउंट आ जाएगा 55, नहीं ऑब्वियसली बात है 55 भी लेके करेंगे, 1 + रेट कितना है डिवाइडेड बाय 100, पावर n कितनी लिखूं बेटा 2005 से लेके 2015, 10 कोई डाउट? छोटा मोटा 1.02 टू द पावर 10, कैलकुलेटर शुरू हो जाओ। ऑप्शन ऑप्शन सुनो मेरे लाल सुनो, अमाउंट जो दिया है वो 55 करोड़ दिया है, सॉरी नॉट अमाउंट द नंबर ऑफ पीपल 55 करोड़। तो अब हमने 55 करोड़ को चेंज नहीं किया तो मेरा फाइनल आंसर भी 55 मतलब करोड़ में ही आना चाहिए, है ना बेटा जी? और मेरा आंसर आ रहा है 67.044 करोड़, और ऑप्शन जो दिए हैं वो भी करोड़ में ही होना चाहिए और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके सो फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर हियर, दिस चैप्टर इज ओवर। कौन सा चैप्टर और हो गया? 6। नाउ इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? टाइमली रिवीजन करते रहना, टाइम को सही यूटिलाइज करना, फिर मिलते हैं।